नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रोनिक। आज की शुरुआत करने से पहले थोड़ा निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। आज एकदम से निफ्टी तो डाउन हुआ, इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है क्योंकि काफ़ी दिनों से निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था, तो आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, उससे घबराने वाली बात नहीं है। कल मार्केट आपको आप ही मिलेगा, जिस तरह से क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना पैनिक होते हैं, जल्दी प्रॉफिट बुक करने में बिलीव करते हैं, मगर हम लोग जो भी शेयर में बायो सेल करते हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से करते हैं, अर्निंग के पर्पज़ से करते हैं। तो बेसिकली आज का जो शेयर है वो उसके पहले बात करने से पहले मैंने कल एक शेयर दिया था त्रिवेणी इंजीनियरिंग दिया था, तो कल मैंने उसमें टारगेट दिए थे क्योंकि कल मैंने 160, ये देखिए मैंने सिर्फ चार्ट ओपन कर लिया गूगल पे, ये मैंने ओपन करा त्रिवेणी इंजीनियर, आज ये 187 ये 0.20 पैसे के लो पे बंद हुआ है, मगर इसमें जो मैंने टारगेट दिए तीनों टारगेट मेरे अचीव हो गए, कल दो हो गए थे आज एक हो गया। मैंने लास्ट टारगेट दिया था अपना 200 रुपये का, ये देखिए इसका आज जो हाई गया है 203 रुपये। अब इसमें आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इसका ओवर हो गया है। मेरे हिसाब से अब इसमें थोड़े दिन प्रॉफिट बुकिंग चलेगी, एक हफ्ते दो हफ्ते, उसके बाद ये 170-165 के बीच में मिलता है तो इसमें डेफिनेटली बाय करिए, फिर से अब ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो आज का जो शेयर है उसकी शुरुआत करने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो शेयर आया मेरी नज़र में, अभी की मार्केट देख ही रहा था, तो आज का जो शेयर आया ग्रैनस इंडिया लिमिटेड, तो ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप समझ सकते हैं कि भाई कोविड के अंदर जितने भाई काम जो कर रहा फार्मास्यूटिकल का सारा काम हो रहा है, ग्रैनस एक इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट और इसके मेडिसिन काफ़ी अच्छे सारे के सारे। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। आज ये ओपन होता है 331 रुपये, हाई लगाता है 340 रुपये और लो जाता है 327, ठीक है, और इसका 52 हाई है 437.95 रुपये। तो देख लेते हैं इसका चार्ट में क्या कह रहा है, हम चार्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो ये मैं इसका ग्रैनोस का चार्ट ओपन कर लिया है, अब मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ, डेली चार्ट पे कुछ ब्रेकआउट हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आज के ही दिन ये अपन को ब्रेकआउट देने को तैयार बैठा हुआ, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए गोला, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट एवरेज मूव को ब्रेकआउट करेगा कल की डेट में, ये डेली चार्ट के ऊपर देखिए ये ब्रेकआउट देने को तैयार बैठा हुआ है। इसका देखिए MACD भी अप ट्रेंड की तरफ तैयार हो गया, RSI भी इसका 50-60 को टच करने जा रहा है अप ट्रेंड की तरफ, कल की डेट में ये ब्रेकआउट देगा और कल ये ब्रेकआउट देगा जो इसका पहला लेवल आएगा इसका 345 रुपये आएगा पहला टारगेट, ठीक है दोस्तों, पहला टारगेट 345 आएगा इसका। डेली चार्ट पर जो ब्रेकआउट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, पहला टारगेट इसका आएगा 345 रुपये, क्योंकि ये जहाँ से ये ब्रेकआउट दे रहा है वो कैंडल इस वाली कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है, ये देखिए इसका जो आया था 340 दिखा रहा है, बट इसका सपोर्ट लेगा यहाँ पे, ये 345 रुपये का देगा पहला ब्रेकआउट, और जब इसको पहले 345 तोड़ेगा तो 355 रुपये जाएगा दूसरा टारगेट। अब वीकली चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली चार्ट क्या कह रहा है इसका, ये वीकली चार्ट ओपन हो रहा है, देखिए फ्रेंड वीकली चार्ट पर भी देखिए, ये देखिए इसका एवरेज मूविंग में क्रॉस करने को तैयार बैठा हुआ है, वीकली चार्ट में भी अच्छा ये ब्रेकआउट देने को तैयार बैठा हुआ है, ये देखो समझ रहे ना दोस्तों, देखो इधर भी ब्रेकआउट देने को तैयार बैठा हुआ है, यहाँ भी ये ब्रेकआउट पर चल ही रहा है। देखिए दोस्तों वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट आ रहा है, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं इसका सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है, ये तो ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर कहीं ये सपोर्ट ले रहा होगा, ये वीकली चार्ट पे ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये देखिए इस कैंडल पर सपोर्ट ले रहा है, जैसे ये कैंडल इसकी जाती है 354-355, मैंने बताया ना जब पहला टारगेट 345 का मैंने बताया था आपको, वो पहला टारगेट इसी कैंडल पर दिख जाएगा 345, दूसरा टारगेट 355, और 355 को ये हाई तोड़ता है तो आने वाले टाइम के अंदर 380 भी देगा ये आपको टारगेट पूरे। तो फ्रेंड देख सकते हैं ना आप कि शेयर का चार्ट जो होता है, टेक्निकल चार्ट जो होता है वो एकदम, क्योंकि उस चार्ट उसके अकॉर्डिंग ही पहले ट्रेड कर चुका था, टेक्निकल चार्ट हमें वो सपोर्ट करते हैं और बाकी न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके डिपेंड मार्केट कैसे अप ट्रेंड और डाउनफॉल में जाती है। देखिए दोस्तों आज मार्केट एकदम से डाउन हो गया था, प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ी से हुई, बट ये चार्ट अभी देखो अपना, यानी इसके में ब्रेकआउट आ चुका था इसलिए ये ब्रेक अपना अभी भी है 1.5% के ऊपर ही क्लोज हुआ इसने, तो कल की डेट में ब्रेकआउट देगा डेफिनेटली, तो आप इसमें बाइंग करिए, अगर इसमें बाइंग करने का मौका मिलता है तो आपको आप इसमें
327 से लेके 335 के बीच में बाय करिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलिए इसमें। अगर ये वीडियो आपके यूज़फुल हो, अगर आपको लगता है वीडियो आपके कारगर है, शेयर से आपको लगता है कि कुछ यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।